हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्रमुख बंदरगाह। तो भारत देश में जितने भी अपने यहाँ बंदरगाह हैं, अधिकतर जो बड़े बड़े, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो भारत आपको नजर आ रहा होगा, हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि भारत के 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन को पढ़ना है तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस तरह से कि देखिए, गुजरात अपने को दिख रहा है ना, आप नक्शे से भी देख सकते हैं और नक्शे से जैसा याद होता है वो कहीं याद नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, गुजरात अपने को मिला है। तो गुजरात में है आपका कांडला बंदरगाह, है ना। तो गुजरात में क्या हो गया भैया, कांड हो गया, ऐसे याद रख लो। क्या हो गया, गुजरात में कांड हो गया। अब कांड कब होते हैं, रात में होते हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो गुजरात का कांडला, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है आपका, गुजरात में स्थित है। अच्छा, कांडला बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं, ज्वारी बंदरगाह है ये। क्या है, ज्वारी बंदरगाह के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो गुजरात में कांड हो गया, कांड कैसे होगा, रात में, तो रात से याद रख लो ज्वारी हो गया, है ना, बुखार वगैरह आ जाती है ना, इस टाइप से अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि महाराष्ट्र आ जाता है नीचे। कौन सा राज्य आ गया अपना, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई अपन जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निशान भी जा रहा है आपका। तो एक नाम है बंदरगाह का मुंबई बंदरगाह, और दो है यहाँ पे, तो दूसरा कौन सा हो गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, पुराना तो मुंबई बंदरगाह है और नया वाला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम मैं बता दूं, नहावा शेवा भी है। क्या है, नहावा शेवा। अच्छा, समुद्र में जाते हैं, महान आदमी देखे होंगे आप लोगों ने, महान लोग नहाते हैं, है ना, वो तो सभी नहाते हैं, पर याद रख लीजिएगा ये नहावा शेवा, नहावा मतलब नहाना। ठीक है, नहा के शेव किया, तो जवाहरलाल नेहरू नाम है इनका। ठीक है, इस बंदरगाह का, और एक मुंबई हो गया। ठीक, फिर आता है गोवा। तो अच्छा, गोवा में तो गोवा का नाम छुपा है ना, कैसे छुपा है कि मरमू गोवा, ये मुरमू गोवा के नाम से इसे जानते हैं। तो मरमू गोवा या मुरमू गोवा कहाँ पे हो जाएगा आपका, गोवा में। ठीक है, तो गोवा से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आपकी बेंगलुरु, आप जानते हैं लगभग सभी लोग। ठीक है, तो बेंगलुरु से याद रख लो, मंगलुरु वहां पे शहर है, आप देख सकते हैं, है ना, नक्शे में देख सकते हैं, उससे अच्छा याद हो जाएगा। तो न्यू मंगलुरु करके भी नाम आता है ना, न्यू मंगलुरु करके बोलते हैं। तो कर्नाटक में क्या हो गया आपका, नवीन मंगलोर या न्यू मंगलोर बंदरगाह हो गया। अच्छा, केरल, केरल बड़ा ही प्यारा नाम है, तो केरल से कौन सा राज्य हो जाएगा, कोचीन। तो केरल में जो है आपका वो कोचीन बंदरगाह हो गया। तो एक बार इस पट्टी को देखते हैं दोस्तों, है ना, ये आपकी पश्चिमी दिशा है और ये पूर्वी दिशा। तो पश्चिम से तरफ के बंदरगाह हैं आपके कौन कौन से, गुजरात में कांडला जिसका नाम है ज्वारी, फिर महाराष्ट्र का मुंबई राजधानी के हिसाब से याद रख लो, और एक और है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम क्या है, नहावा शेवा। गोवा का मुरमू गोवा याद रह जाएगा, और कर्नाटक का मैंगलोर हो जाएगा, और केरल का कोचीन। तो ये हो गए अपने इधर की साइड के बंदरगाह। अब अपन पढ़ने वाले पूर्व तरफ के जो बंदरगाह है वो दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लगभग लगभग दिख रहा होगा दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में होता क्या है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको याद होगी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। अब कोलकाता की, कोलकाता राजधानी, तो कोलकाता किस नदी पे बसा हुआ, तो ये हुगली नदी पे बसा हुआ है, और जो ये बंदरगाह है ना दोस्तों, ये हुगली नदी के मुहाने पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, कोलकाता बंदरगाह, ये नदी का नाम है सिर्फ, है ना, हुगली नदी। फिर आता है आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, अब उड़ीसा में क्या है, अच्छा उड़ते हैं अपन, उड़ते कैसे हैं, पारा, पारा जैसे उड़ जाते हैं अपन, तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह हो गया। ठीक, फिर आंध्र प्रदेश आता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश लिखा है यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सा, सबसे बड़ा शहर है जो नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में तीन है कौन कौन से, तमिलनाडु की राजधानी से याद रख लो, चेन्नई। अच्छा, ये सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, ये बनाया गया है ना, बाकी मूल रूप से मिले हैं बहुत सारे, और बहुत सारों को बनाया भी गया है। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में चेन्नई, ये सबसे पुराना और प्रतिम है, और सबसे गहरा पूछे तो आपका विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखा से विशाल याद रख लो, विशाल मतलब बड़ा होता है, और बड़ा मतलब ये थोड़ा गहरा याद रख लो। ठीक है, तमिलनाडु में एक और एन्नोर है ना, चेन्नई और एन्नोर हो गया, एक और है तुतीकोरिन। ठीक है, तो इनको याद रखना कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है लगभग जो बड़े बंदरगाह है ना, ऐसे तो छोटे करके भी काफी बंदरगाह हर जगह आपको मिलेंगे, जो भी नदी है हर नदी के मुहाने पे आपको लगभग मिलने वाले हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है अपना, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर, है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है, तो उससे याद रख सकते हैं अपन।
ठीक है। तो दोस्तों आपको नक्शे में अगर अच्छा समझ में आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और भी आपके अच्छे वीडियो आएंगे जो नक्शे के माध्यम से हम आपको बताएंगे, और भी काफी वीडियो हम बना चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एक बार और इसको देख लें जल्दी से। तो आइए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो हुगली नदी पे, ठीक है, उड़ीसा में पारादीप है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा है, ठीक है, तमिलनाडु में तीन है, चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन, और सबसे पुराना चेन्नई है और कृत्रिम भी है। अंडमान निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर हो गया। उधर देखते हैं तो कांडला, कांडला है बंदरगाह, गुजरात में मिलेगा अपने को, ठीक है। और मुंबई और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। गोवा है आपका मरमू गोवा, है ना, और कर्नाटक में न्यू मंगलूर करके भी आता दोस्तों, है ना, ये न्यू मंगलूर से आप याद रख सकते हो इस चीज को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और कोचिन की बात करें, कोचिन है आपका केरल में। तो ये प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह हैं, छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, काफी हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं बुक में। बाकी एक तरीका है आपको याद करने का, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।